हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सूर्य सप्तमी या रथ सप्तमी व्रत और इस पर्व से जुड़े कुछ चमत्कारिक उपायों के बारे में, जो न सिर्फ आपको आरोग्य प्रदान करेंगे बल्कि आर्थिक लाभ कराकर आपके भाग्य को भी मजबूत करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी व्रत रखा जाता है। इस साल यानी कि साल 2021 में यह व्रत 19 फरवरी शुक्रवार के बेहद ही शुभ संयोग में रखा जाएगा। मत्स्य पुराण के अनुसार यह व्रत सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन स्नान दान और पूजा से कई हजार गुना फल मिलता है। सूर्य भगवान अपार शक्ति और तेज के देवता हैं। इसी दिन भगवान सूर्य नारायण ने सारे जगत को अपने प्रकाश से अलौकिक किया था। इसी दिन विश्वकर्मा द्वारा भगवान सूर्य ने अपना उत्तम दिव्य रूप प्राप्त किया था। सूर्य सप्तमी के दिन व्रत रखकर सूर्य पूजा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस दिन नमक का सेवन न करते हुए नमक का दान करने पर सफलता के योग मजबूत बनते हैं और जीवन में तरक्की होती है। गाय को माँ लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है, इसलिए सूर्य सप्तमी के दिन गाय को गुड़ खिलाने से आर्थिक लाभ होता है। सूर्य सप्तमी के दिन प्रातः काल स्नान के बाद सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में लाल चंदन, लाल कनेर या गुड़हल के पुष्प डालकर अर्घ्य दें और अर्घ्य देते समय सूर्य देव के 12 नामों का उच्चारण करें। साथ ही अर्घ्य देते समय गिरती हुई जलधारा को देखने का प्रयास करें। इस छोटे से उपाय से आपके भाग्योदय के योग मजबूत बनते हैं और आपकी नेत्र ज्योति बढ़ती है। आज के दिन सूर्य देव के नाम से दीपदान अवश्य करें, अर्थात उनके नाम का एक दीपक जरूर जलाएं। रथ सप्तमी शुभ मुहूर्त। रथ सप्तमी का व्रत रखा जाएगा 19 फरवरी को। सप्तमी तिथि आरंभ होगी 18 फरवरी सुबह 8:17 पर। सप्तमी तिथि समाप्त होगी 19 फरवरी सुबह 10:58 पर। सप्तमी के दिन अरुणोदय होगा सुबह 6:32 पर।